लंबे मांगते थे मतलब नाम लेकर के। सामने देखो यार, सुनो सामने देखो, कुछ बता दूं। ग्राम किशोर कुशवाहा है, ग्राम सपरवाहा का रहने के वाले हैं। 9 तारीख की रात में ये अपने खेत पे सोए थे कि दो व्यक्ति आए मुंह बांधे हुए और इनको जो है पकड़ के ले गए जंगल में और इनको धमकाया कि हम बबली कोर के गैंग के सदस्य हैं। लगभग एक घंटा इनको बैठाए रखा और इनको तुम जो है पहले उन्होंने 5 लाख रुपए की बात की, 5 लाख रुपए जो उसको दे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारे परिवार को मार देंगे। इसके बाद इन्होंने अन्य बिना किया रामकुशल कुशवाहा ने, बात जो है भी ये हो कि ठीक है हम बाद में आपको 50,000 रुपये आपको दे देंगे, ऐसा कर फिर इनको छोड़ दिया गया। बाद में इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस इसमें प्रयास कर रही थी पता करने का, प्रयास करने में पता चला कि वास्तविक रूप से ये लोग दो लोग थे जो बबली कोल के नाम पे पैसा लेते, इस गैंग के सदस्य नहीं थे लेकिन उसके नाम पे धमका के इनसे पैसा लेना चाहते थे। इन दो ये दोनों लोग जो रहने वाले हैं, एक रानीपुर का रहने वाला है महावली और दूसरा ग्राम शकरों का छोटी प्रजापति रहने वाला है। ये दोनों जो है रहने वाले ये लोग पकड़ गए जिनके पास से तमंचा और 7 कारतूस जिंदा, दूसरे पास भी 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस जिंदा मेरा प्राप्त हुआ है। और इन लोगों ने पूछताछ पे ये बताया कि इसमें से एक व्यक्ति जो है कौन महाबली, इसकी पत्नी की तबीयत जो है ख़राब थी और इसको जो है इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो दूसरा जो है छोटी प्रतापजी ने ये प्लान बनाया कि हम बबली कोल के नाम पर जो ये व्यक्ति है इस वक्त से पैसा ले लेंगे तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, इस प्लानिंग के तहत उन्होंने यह काम किया।